रूस यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से चल रहा युद्ध जल्द खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से यूक्रेन लगातार शांति समझौते पर जोर दे रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगली शांति समझौते की बैठक के लिए भारत एक अच्छी जगह हो सकती है। पिछली बार स्विट्जरलैंड में शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यूक्रेन को उम्मीद है कि इस शांति वार्ता के जरिए फरवरी 2022 से चल रही जंग थम जाएगी। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की एक दिवसीय यात्रा पूरी कर भारत लौटे हैं। वो पोलैंड से ट्रेन का सफर तय कर कीव पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि दोनों ही देश मिलकर इस संघर्ष का समाधान निकालें। उन्होंने बातचीत पर जोर दिया था। पीएम मोदी ने यूक्रेन रवाना होने से पहले भी कहा था कि वो चाहते हैं कि इस देश में जल्द से जल्द शांति लौटे। मीडिया से बात करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत में की जा सकती है। जेलेंस्की ने कहा कि जहां तक शांति शिखर सम्मेलन का सवाल है, मेरा सचमुच मानना है कि दूसरा शांति शिखर सम्मेलन होना ही चाहिए। अच्छा होगा अगर इसे ग्लोबल साउथ देशों में से किसी एक देश में आयोजित किया जा सके, और इसके लिए भारत एक अच्छी जगह हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे लेकर पूरी तरह से अपनी बात रख रहे हैं। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं। हम फिलहाल इन देशों से शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर बात कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि हम भारत में वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। ये एक बड़ा देश है और यह एक महान लोकतंत्र है, तो हो सकता है कि अगला शांति शिखर सम्मेलन भारत में हो और भारत इसकी मेजबानी करे, और ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है इसका कुछ समाधान इसके जरिए निकाला सके। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।